पॉलिसीज की, आपके व्यूज की डाई हार्ड फैन हूँ और वक्तन फवक्तन अपनी आवाज भी उठाती रहती हूँ हक के लिए। और एक चीज का क्रेडिट मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, जो आज से नहीं है, तो जब से आपने अपनी स्ट्रगल शुरू की है इक्तदार में आने से पहले से, आपने जो इस अवाम को अवेयरनेस दी है हाउ टू फाइट फॉर योर राइट्स, ये पूरे का पूरा क्रेडिट आपको जाता है। क्योंकि आपकी उस अवेयरनेस के बाद अब लोगों को ये शऊर आया है कि हमें अपने हक के लिए किस तरह आवाज उठानी है बेखौफ व खतर। नाउ कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, मेरा सवाल आपसे जरा डिफरेंट है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली तो क्राइसिस से गुजर ही रहा है और डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हमारे बलूचिस्तान के जो बहन भाई हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो जिन क्राइसिस से गुजरे हैं इस नेचुरल कैलामिटी के बाद, तो उसके लिए आपका या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स का क्या किरदार रहा है? शगुफ्ता, देखें, ये जो बलूचिस्तान के अंदर अभी फ्लड्स आए हैं, इसकी ये एक का पंजाब गवर्नमेंट जिधर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसने पूरा इसके ऊपर काम किया है, दूसरा के पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उनका, खैर उनका अपना भी साउथ का जो एरिया था उधर फ्लड आया हुआ है, और तीसरी जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, इतना जो वो इतना एक्सटेंसिव हुआ है, यानी वो जो एरिया है जो तेज़ी से फ्लैश फ्लडिंग हुई है वो एरिया इतना बड़ा है कि उसके अंदर अगर आप समझें कि एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर सकती है उसके लिए मुश्किल है, गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। ओके,